नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ साक्षी सिंह। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में जीत हासिल करने पर डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है। हसीना ने ट्रंप के अद्भुत नेतृत्व के गुणों की तारीफ करते हुए कहा कि वो बांग्लादेश और अमेरिका के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय हितों को बढ़ाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम करने के लिए तैयार है। आवामी लीग के आधिकारिक फेसबुक पेज पर एक बयान जारी किया गया, जिसमें बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने डोनाल्ड ट्रंप और मिलेनिया ट्रंप के साथ उनके पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान हुई मुलाकात को याद किया। साथ ही बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका की द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाने की तरफ काम करने की इच्छा जताई। उन्होंने उम्मीद जताई कि अब दोबारा ट्रंप के चुने जाने से एक बार फिर अमेरिका और बांग्लादेश के बीच मित्रवत संबंध स्थापित हो सकेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में वह अमेरिका के साथ मिलकर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय हितों के अनुरूप काम करेंगी। हसीना को ट्रंप से बड़ी उम्मीद। शेख हसीना ने ट्रंप और उनके परिवार के लोगों के लिए अच्छे स्वास्थ्य की भी शुभकामनाएं दी है। साथ ही अमेरिकी लोगों की शांति, विकास और समृद्धि की कामना की है। शेख हसीना के इस तरह के संदेश से साफ है कि जिस तरह से बांग्लादेश आंदोलन में बाइडेन की बेरुखी और कथित भीतरघात के चलते उन्हें सत्ता से विमुख होना पड़ा, उसके विपरीत ट्रंप से हसीना को मदद हासिल होने की उम्मीद है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या फिर हसीना की बांग्लादेश की सत्ता में वापसी का रास्ता खुल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने में हसीना सक्रिय। मोहम्मद यूनिस के अमेरिका में मजबूत संपर्क और बाइडेन प्रशासन में उनकी घनिष्ठता के बावजूद हसीना का ये कदम कहीं ना कहीं उन पर एक तरह का दबाव बना सकता है। अमेरिका के कूटनीतिक दबाव के कारण भारत के अलावा फिलहाल कोई अन्य देश शेख हसीना को मदद और वीजा देने में संकोच कर रहा है। ऐसे में शेख हसीना के इस बधाई संदेश से साफ है कि वह अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने में सक्रिय हो गई हैं। मौजूदा समय में बांग्लादेश के मुखिया मोहम्मद यूनुस को ट्रंप जरा भी पसंद नहीं करते। दरअसल यूनुस पर आरोप है कि 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में यूनुस ने ट्रंप के खिलाफ फंडिंग की थी। तब से ट्रंप उनसे नाराज हैं। बांग्लादेश को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का क्या है रुख? बांग्लादेश को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की सोच उनके पहले राष्ट्रपति कार्यकाल में स्पष्ट हो गई थी। डोनाल्ड ट्रंप का बांग्लादेश के प्रति एक झुकाव है। वो बांग्लादेश को एक लोकतंत्र समर्थक देश के तौर पर देखते हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान जारी कर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता जाहिर की थी और इस मामले को अमेरिकी हिंदुओं को दिल के बेहद करीब बताया था। उन्होंने अमेरिका समेत पूरे विश्व में हिंदू समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा करने की बात कही थी। शेख हसीना का यह कदम बांग्लादेश की राजनीतिक परिदृश्य में खेला की वापसी का संकेत माना जा रहा है। हसीना इस समय दिल्ली में हैं। माना जा रहा है कि वो ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद अमेरिका का दौरा कर सकती हैं। इससे दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा देने की संभावना है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज इंडिया।